सीबीएस के छात्रों ने धरना दिया और सरकार से मांग की है कि उनकी पढ़ाई को दोबारा से भारत में शुरू कराया जाए। युद्ध प्रभावित यूक्रेन से निकालकर भारत लाए गए भारतीय विद्यार्थियों ने देश में मेडिकल कॉलेज में दाखिले की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि अकादमिक साल के नुकसान से उन्हें बचाने के लिए एक बारगी उपाय के तौर पर उनका समायोजन किया जाए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आए इन MBBS विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बाहर मेडिकल प्रदर्शन किया। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन मेडिकल स्टूडेंट के बयान में कहा गया कि चूंकि सारे विद्यार्थी भावी डॉक्टर हैं, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा उनके लिए अच्छा विकल्प है। हमारी मांग है कि सभी विद्यार्थियों को भारतीय चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष RB गुप्ता ने कहा कि अपने बच्चों के समायोजन में मदद मांगने के लिए यह इकट्ठा हुए हैं। मेरा बेटा तृतीय वर्ष का विद्यार्थी है, वो इवानो में पढ़ रहा है। हम बस सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इन बच्चों को एक बार की उपाय के तौर पर समायोजित किया जाए। इस बीच कई विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अब भी चल रहा है। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। मेरा नाम RB गुप्ता है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैं ये पेरेंट एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन MBBS स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट हूँ। मैं क्या डिमांड है? मेरी डिमांड है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं यूक्रेन से जो रिटर्न आए हैं, ये वॉर की वजह से आए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अच्छी पढ़ाई चल रही थी वहाँ जो है, तो अब ये जो इनके कॉलेजेस जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार, ये सब देश के बच्चे, तो भारत सरकार जो है इनके बारे में सोचे। क्या सोचे? एडमिशन, इन सारे बच्चों को इंडिया में एडमिशन कराए, फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के बच्चों को। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे पॉसिबल है, 22,800 बच्चे आए थे, उसमें से 4,800 बच्चे टोटल बच्चे थे, 22,800 बच्चे आए थे, 4,800 बच्चे जो है नॉन मेडिकल और इंजीनियरिंग MBA वाले थे। अब जो 18,000 बच्चे बचे, उसमें से 3,000 बच्चों को जो है NMC ने इंटर्नशिप की परमिशन दे दिया, जो फाइनल ईयर कर चुके थे। अब बचते 15,000 बच्चे, ये 15,000 बच्चे हैं जिनको इंडिया में एडमिशन चाहिए, राइट? तो अब इंडिया में कैसे एडमिशन होगा? 595 या 600 कॉलेजेज है, तो अगर 15,000 से डिवाइड करेंगे 600 को करते हैं, तो ये बनते हैं टोटल जो है आपके 20 से 25 बच्चे पर कॉलेज चाहिए। अरे 5-6 साल की पढ़ाई होती है, हर साल डिवाइड करते हैं, 4-5 बच्चे चाहिए हर कॉलेज में जो है, हर कॉलेज पर ईयर के हिसाब से 4-5 बच्चे, तो ये करना आसान है। अभी आपकी गवर्नमेंट से कोई बात हुई है सरकार से? हमारी जो है बात हुई थी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से हुई थी, उनके रेसिडेंस पे। उस समय वो इमीडिएट मीटिंग में निकल गए, फिर उन्होंने PA को अपॉइंट किया, तो हम PA के साथ हमने मीटिंग करी थी, हमने उनको सारे डिमांड बताया। हम जो है मीटिंग कर चुके हैं NMC में, हम मीटिंग डायरेक्टर के साथ कर चुके हैं, हम मीटिंग कर चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, हम मीटिंग कर चुके हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। इन सबका रेस्पॉन्स ये रहा कि यस, हम बच्चों के लिए जो है भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं। बट जब ये 15 तारीख को जो आई है, 15 जून को जो आई है, बहुत सारे अखबारों में मीडिया में आया कि NMC ने ये दिया है कि इंडिया में अकोमोडेशन नहीं करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। रशिया ने भी एक प्रस्ताव भेजा था, रशिया है, पोलैंड है, हंगरी है, ये सब प्रस्ताव दे रहा है कि हम इनके बच्चों को हम इंडिया में वहाँ पे ले लेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा, वो सब देश जो अनस्टेबल है, और रशिया में क्या दिक्कत आ रही है कि वहाँ जो है इम्पोज किया गया, बहुत सारे उनके ऊपर वो लगे हैं, बैन लगे हैं। रशिया के बच्चे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अमेरिका नहीं जा सकते, UK नहीं जा सकते, एक एग्जाम होती है USMLE, वो क्लियर करने के बाद अमेरिका में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, प्लैब पढ़ाई करने क्लियर करने के बाद वो बच्चे UK में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ नहीं जा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रशिया में कर सकते हैं और इंडिया में वापस आना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन है, बल्कि हमारे बच्चे जो है इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो कहीं भी जाने के काबिल बने, इसलिए हम चाहते हैं या तो मेरा नाम दिनेश कुमारी, मैं हरियाणा करनाल से आई हूँ यहाँ पर दिल्ली में, और मैं चाहती हूँ कि मेरे हमारे जो यूक्रेन से, क्या डिमांड है आप? हमारी ये डिमांड है कि यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं भारत में, उन्हें मोदी जी लेकर के आए हैं, और मोदी जी की ये फर्ज बनता है कि उन्हें भारत में एडमिशन दिया जाए और उन्हें भारत में डॉक्टर बनने का मौका दिया जाए। और आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, अभी हम अपने भूख हड़ताल के माध्यम से हम अपना संदेश पहुँचा रहे हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी ना की गई तो हमारी भूख हड़ताल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हमारी हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम जो है भारत में जो इतने सारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है,
अगर मोदी जी चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है। वॉर सिचुएशन में जब वहाँ पर कोई साधन नहीं था, जो एयरपोर्ट है उसमें ब्लास्ट कर दिया गया था, वहाँ पर कोई भी साधन नहीं था, तो बच्चों को एयरलिफ्ट करके वहाँ से लाया गया। जिस बंकर में बच्चे थे वहाँ पर चारों तरफ शेलिंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी, चारों तरफ बहुत ही भयानक माहौल था। लेकिन मोदी जी ने संभव किया और रशिया सरकार ने भी बच्चों को सहयोग दिया और उनको वहाँ से आने दिया। तो अगर उस कंडीशन में जब हम दूसरे देश में हैं, दूसरे देश में मान लीजिए आपने किसी बाहर दूसरे देश में है, दूसरे बाहर के किसी शहर में है, तो वहाँ पर आप अपनी फूड और जो लिविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अपने इंडिया में हैं, अपने घर में हैं, तो आप अपनी सभी चीज़ों को, सभी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। इसी प्रकार से रशिया ने प्रस्ताव दिया था कि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पर रशिया की तरफ से प्रपोजल आया है बच्चों को कि बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो रशिया में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि आज तो है रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? नाटो देश सभी मिल करके अगर रशिया पे आक्रमण कर देते हैं तो सेम सिचुएशन फिर से बनेगी और फिर से सभी बच्चों की जान खतरे में होगी। तो जिस प्रकार से आप सुना होगा आपने ये मुहावरा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इस प्रकार से अब हम जो है ना दूध को, जले हुए दूध को पी चुके हैं, हम सबका मुंह जो है वो जल चुका है इस समय। और इस समय हमें कोई छाछ भी ऑफर करेगा ना, हमें उसके लिए भी डर है कि कहीं इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार से रशिया ने तो हमें ऑफर दे दी कि आप हमारे पास बच्चे भेज दीजिए, लेकिन हम रशिया में भेज दें, कल को क्या भरोसा कि वहाँ भी हमारे बच्चों की जान खतरे में हो जाए। और अगर हमारे बच्चों की जान फिर से खतरे में होती है तो हमें कोई बेवकूफी कहेगा कि हाँ तुम्हें तो पता था सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, पहले तुमने मोदी जी ने बचा लिया तो अब बार बार कौन प्रयास करेगा आपके बच्चों को बचाइए, और बच्चों को खाने के लिए 12 दिन कुछ नहीं मिला, तो हम चाहेंगे वो सिचुएशन बच्चे बिल्कुल दोबारा ना देखें। हम चाहेंगे कि भारत में उनको एडमिशन दिया जाए। मोदी सरकार से हमारी बार बार यही अपील है कि हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे भारत के बच्चों जो यूक्रेन से बच्चे आए हैं, ये भारत के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। जिस प्रकार से एक माता पिता का ये फर्ज होता है कि अपने संतान की सारी आवश्यकताओं को पूरा करें, इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी अपने देश के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करें और इन्हें डॉक्टर बनाएं और ताकि ये देश की सेवा कर सके। धन्यवाद।